पावर स्टीयरिंग की श्रेणी में सबसे ज्यादा स्मूथ कार्य करने वाली आपको डुअल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। स्टेट फॉरवर्ड आपको काफी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाती है। कंपनी फिटेड 90 केजी का आपको यहाँ पर फ्रंट बम्पर मिल जाता है। फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाता है। कपलिंग के 3 पॉइंट जो फुल्ली ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ। ट्रैक्टर में सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो पहले यह ट्रैक्टर आता था सेंटर शिफ्ट गेयरबॉक्स के साथ में। अब रिसेंटली कंपनी ने इस ट्रैक्टर में बदलाव करके इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स के साथ में 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में लॉन्च कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श एग्रीकल्चर में। और आप दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं और इस ट्रैक्टर के इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा ही चेंज कर दिया है इस कंपनी ने। यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी टाइप में आपको काफी खूबसूरत यहाँ पर मिल जाता है। चलिए प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वही आपको पहले वाला प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन साथ में साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स भी मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्लेटफॉर्म भी थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी हैवी ड्यूटी यहाँ पर आपको फुट स्टेपर भी मिल जाता है। चलिए और भी बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के अल्टीवेटर की। तो यहाँ पर आपको 12 बोल्ट 40 एमपीएच का बड़ा अल्टीवेटर मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल पंप मिल जाता है, जिससे इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक क्षमता और भी इनहेंस हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑयल पंप लगा के दिया जाता है, जिससे इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक क्षमता और भी बढ़ जाती है। चलिए और भी बात करते हैं इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग की। तो यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की श्रेणी में सबसे ज़्यादा स्मूथ कार्य करने वाली आपको डुअल पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। चलिए इस ट्रैक्टर का एक्सल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल आपको फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बम्पर की बात करें तो ऑलमोस्ट 90 केजी का आपको यहाँ पर फ्रंट बम्पर भी मिल जाता है। चलिए और भी बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। तो इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है वाटर कूलेंट इंजन, जो कि 3514 सीसी 55 एचपी की कैटेगरी में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बॉस कंपनी के 3 फ्यूल लाइन पंप के साथ में भी यह ट्रैक्टर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक और डीजल फिल्टर मिल जाता है सिंगल। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पर वाटर सेपरेटर की पोजीशन रखी हुई है। बैटरी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 12 वोल्ट 80 एच की बड़ी बैटरी मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है दोस्तों। चलिए और भी इस ट्रैक्टर की यदि हम रेडिएटर की बात करें तो काफ़ी बड़ा आपको इस ट्रैक्टर में रेडिएटर मिल जाता है। एयर क्लीनर की बात करें तो आपको ड्राई टाइप आपको डुअल एलिमिनेट वाला एयर क्लीनर भी मिल जाता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको 55 एचपी की कैटेगरी की आपको यहाँ पर भी बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग लाइट इंडिकेटर लाइट का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है। चलिए दोस्तों और भी बात कर देते हैं लेफ्ट की। यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको टायर साइज मिल जाता है, अगला टायर मिल जाता है 750x16 का। चलिए पिछला टायर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको पिछला टायर मिल जाता है 16x28 टायर के साइज में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इस ट्रैक्टर का आपको लुक दिखा देते हैं। जिस ट्रैक्टर का आज हम ऑल ओवर रिव्यू कर रहे हैं वो है फार्म ट्रैक की तरफ से 60 EPI पावर मैक्स। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको ये ट्रैक्टर निकल के आता है। राइट साइड में आपको पावर ट्रैक 60 की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट में भी डुअल हेलोजन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर भी फार्म ट्रैक की आपको बैजिंग मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 60 यहाँ पर लिखा हुआ, देख सकते हैं आगे जाली काफ़ी बढ़िया लगा के दी जाती है, जिससे इस ट्रैक्टर के पर्याप्त हवा जा सके। काफ़ी बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर हेलोजन लाइट लगा के दी जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इस ट्रैक्टर की खूबसूरती बनाई गई है। चलिए और भी आगे बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्लच की बात कर लेते हैं तो इस ट्रैक्टर में अब आपको डुअल क्लच मिलती है विथ इंडिपेंडेंट क्लच के साथ में है ट्रैक्टर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं PTU के लिए आपको अलग से यहाँ पर एक ठो क्लच मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लो हाई का आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। नंबर ऑफ गियर की बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 4 गियर मिल जाते हैं और रिवर्स भी साथ में मिल जाता है। DCPC के लीवर मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक लॉक के लिए आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया है। मल्टीप्लेटेड ऑयल एमर डिस्क ब्रेक के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। और इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया आपको इस ट्रैक्टर में स्टीयरिंग भी मिल जाती है। चलिए और भी बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चलिए पीछे चलते हैं इस ट्रैक्टर की सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है, जो कि काफ़ी आरामदायक है। और इस ट्रैक्टर को आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को यहाँ पर लॉक करने के लिए सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर फीचर्स मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का लीवर भी मिल जाता है साथ में। चलिए इस ट्रैक्टर के पीछे चलते हैं और बात करते हैं पीछे के कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग लाइट इंडिकेटर लाइट का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है। 5 ईयर वारंटी की आपको यहाँ पर बैजिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप अपनी टूलों के स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्लेक्टर की पोजीशन मिल जाती है, 2 लीटर तक का आपको वाटर स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रैक्टर आता है टापलिंग के, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डुअल आपको डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाते हैं।
जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाए गए हैं। चलिए इस ट्रैक्टर के पीटीओ पावर की बात कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 49 HP का आपको मल्टी स्पीड गियर पीटीओ विथ रिवर्स के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में रोटरी फंसा के रखा हुआ हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 2500 kg की बेहतर क्षमता वाली आपको यहाँ पर लिफ्ट कैपेसिटी भी मिल जाती है दोस्तों, जो कि काफ़ी बेहतरीन है 55 HP के कैटेगरी के इस ट्रैक्टर की। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर रात में कार्य करने के लिए बेहतरीन आपको यहाँ पर हेलोजन लाइट की फैसिलिटी भी इस ट्रैक्टर में आपको दी गई है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर और ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी ने पहले से ही नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है। तो दोस्तों अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए और भी इस ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं F32 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी हैंड एक्सीलेटर मिल जाता है, यहाँ पर सीजे की आपको पोजीशन मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी फार्म ट्रैक की तरफ से 60 पावर मैक्स EPI की खूबियों से भरी डिटेल रिव्यू वीडियो। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।